मजा आ रहा है हाँ? मधुर से मिल रही हो ना? चलिए जल्दी से वो कहा किरण बिजली ठाकुर ने आगे साथ बहुत बुरा कर को मारने की कोशिश कर रहे थे तो बस सोच लीजिए कि हम दोनों का क्या होगा। और अगर कल लोगों को ये बात पता चल गई तो बाबूजी के इलेक्शन पर फर्क पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि बाबूजी को ये बात पता चल गई तो हम दोनों को हंसी खुशी जाने देंगे वो? अरे काट के रख देंगे हम दोनों को। एक काम करो सुमनिया, जॉन कुछ भी हुआ है वो तुमने नहीं देखा है, तुमको नहीं मालूम। अपना जिंदगी बचाने के खातिर हमको यहाँ से अब अभिन के अभिन जाना पड़ेगा सुमनिया। अब वो तुमको भी सलाह देते हैं, बाबूजी के आने से पहले यहाँ से गायब हो जाओ। चलो चलो चलो। हाय साला। डरपोक कहीं गए? सिपत देखी नहीं कि कदे कितना दुम दबा के भाग गए। तुम पंचायत में जरूर बताना कि रणबीर आज क्या किए, उसको अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए। छुटकी ठाकुर आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकी बात यह है कि ये सब बात हम किसी को बता नहीं सकते। रणबीर ठाकुर और बड़की ठाकुर को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनकी तरफ नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ गड़बड़ हो जाएगी। दादी का चली गई, बोली थी पूजा खत्म होगी तो प्रसाद खाने के लिए देगी। अरे कोई बात नहीं बबुआ, ये प्रसादी तुम्हारी दादी हमको दे के गई थी, बोली थी जमुनिया अपने माधव को ही खिला देना। हल जमुनी होकर आए, पहले रणबीजे
मधुर और रेखा गायब हो गए, अब माई नहीं मिल रही है। हे भगवान, हमरी माई की रक्षा करना। ठाकुर लोहा सिंह को एक बार फिर मूर्ख बनाने की कोशिश किया आराम जादी। चल आजा, आजा, तुझे आज हम तोहफा देता हूं। ए उठो, क्या है बे? लो मार लो। ठाकुर लोहा सिंह को झूठ बोली, दबाऊं टीडी कर दबाऊं? आपसे झूठ बोलना ठाकुर साहब मतलब मौत को न्योता देना, हम झूठ नहीं बोले। चिड़ैया जरूर थी वहाँ, आप लोगों को देखे वो छुप गई होगी। हम चबुनिया की कसम खाकर कहते हैं कि वो चिड़ैया थी वहाँ। हमको तो ये भी पता है कि वो शुक्रवार को लौटने वाली है। अगर हमारी बात झूठी हो तब हमें जान से मार दीजिएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। फोन काहे नहीं लग रहा? बाबूजी, हमें तो बहुत ही चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि हम दोनों ने मिलकर रणवीर जी का कुछ कर तो नहीं लिया। ए, इसे लाके चप्पा चप्पा छान मार। वो मधुरवा रेखवा जिंदा या मुर्दा, और जिंदा नजर आए तो गोली से भून देना और वहीं गाड़ देना, फुनवा कर देना हमको। चल जा। रेखा, हम जानते हैं तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, बस रेखा हिम्मत से काम लो। थोड़ी देर में आप यहाँ से बहुत दूर जा चुके हो, हिम्मत से काम लो रेखा। देखते ही सालों को गोली मार देंगे, आओ। लगता है वो लोग आसपास हैं, जल्दी चलो यहाँ से, चलो।
ये तो भाग गए, चलो। अब ठाकुर साहब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चलो तो जान से मार देंगे हम लोग तो। एक बात अपने माथा में बिठा ले, ये हमारे घर का बात है, घर ही में रहना चाहिए, यहां तक के आपके बाबूजी को भी नहीं पता चलना चाहिए जी। हाँ लो, आप यहाँ हो क्या रहा है? सरपंच महोदय को हमारा प्रणाम। चलो तब अच्छी तरह से संपन्न हो गया लोहा है। ठकराइन ठीक कह रहे थी कि एक साथ मिलजुल कर पर्व मनाने का आनंद ही कुछ और है। सच में ठकराइन दिख नहीं रही है, काफी देर से खड़े हैं, है कहा? बात यह है कि वो एक चौका चूलक मामला होता है ना, तो ये औरतन पता नहीं चलता, कुछ भूल भाल गई होगी, वहां गई है चौका अभिलेप गई है। अरे ये भाऊजी कह रही थी कि शाम को हवेली में वो गरीबों के लिए भंडारा रख रही है, हमें भी निमंत्रित किया है, हमको भी निमंत्रण दिया है, तो हम आ जाएंगे। अच्छा एक एक, एक बात कहे लोहा, सच कह रहे हैं, तुमने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा, बहुत पुण्य का काम किया होगा, जो ऐसी ऐसी बीवी तुम्हें मिली है, सच में इतनी सुशील है, सुशिक्षित है, भाऊजी की जितनी तारीफ करे बहुत कम। आप शर्मिंदा कर रहे हैं सरपंच जी। चलो मुलाकात होती है। जय राम जी। नमस्कार भाभी जी। मनोज बाबू, डिक्की खोल के देख ठकुराइन का हाल। ठोकर मारे थे तभी वो अपने प्यार खो दी।
जान से मारने की ठोकर नहीं मारा था रे गंगिया, जान से मारने के वास्ते ठोकर नहीं ना मारा था हम। यही सोचना है कि ठकराइन को ठिकाने कैसे लगाए इन प्रयास को। किसी को पता लग गया गांव वालों को आपने ठकराइन को मारा तो इलेक्शन सेट में तो आपका तो बंटाधार हो जाएगा। अब आप ही बताइए क्या करें। अच्छा छोड़िए, हम ही कुछ सोचते हैं। आप ऐसे कैसे खड़े हैं, कोई आके फिर बतियाना शुरू कर देगा। इससे पहले कि ऐसा करें आप जाइए, आप पहुंचे हवेलिया में, आप जाइए, हम कुछ करते हैं। अरे जाइए ठाकुर साहब, जाइए जाइए, हम देखते हैं, हम कुछ करते हैं, जाइए जाइए। हमारे खातिर आप अपनी कसम नहीं तोड़ सकती।